हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम बीके शर्मा फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। वेलकम टू आइकॉन मैथ क्लासेस बाय बीके सर। डे सिक्स है आज हमारा। कहाँ चल रहे हैं हम, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? एक्सरसाइज 1.1 ओपन कर लीजिए अपनी बुक को आप। एक्सरसाइज 1.1 ओपन कर लिया, अब पेज नंबर 14 ओपन आ जाइए। पेज नंबर 14 देखिए, पेज नंबर 14 है, मिल गया, वहीं एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मल्टीप्लाई 6/13 वाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मतलब ये कह रहा है कि 6/30 को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई यानी गुणा कीजिए बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 के रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल का मतलब जानते हैं, नीचे का डेमिनेटर ऊपर चल जाना, ऊपर का न्यूमिनेटर नीचे आ जाना, इसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल। जैसे -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -16/7। तो ये क्या कह रहा है? देखिए गाइस, क्वेश्चन को समझना ही क्वेश्चन को हल करना है। तो आते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पे, पेज नंबर 14 पे, कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमको 6/13 को मल्टीप्लाई करना है 6/13 है, ये हमारा 6/13 है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? बाय रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। तो कैसे हो जाएगा? 6/13 इंटू मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, -16/7। समझ में आ रहा है कि यहां तक कैसे आए? 6/13 को मल्टीप्लाई करना है बाई रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई कीजिए 6/13 को बाई रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 के। तो 7/16 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 16 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये तस्वीर आ गई, 6/13 इंटू -16/7, यानी कि रेसिप्रोकल, -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -16/7। रेसिप्रोकल अगर हम कहेंगे अगर आप इसको समझिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 का होगा -16/7। तो हमको मल्टीप्लाई करना है 6/13 को, 6/13 को मल्टीप्लाई करना है -16/7 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। यही बात मैं बताना चाहता हूं कि मल्टीप्लाई 6/13 को बाई रेसिप्रोकल -7/16 के। द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 का होता है 16 ऊपर चल जाएंगे, 7 नीचे आ जाएंगे। इसी तरीके से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 6/13 इंटू -16/7। अब 16 सिक्सा होता है -96, माइनस का निशान है माइनस का लग जाएगा, 16 सिक्सा 96 और माइनस का निशान है माइनस, 13 सेवन जा होता है हमारा 91। ये हमारा आंसर, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई 6/13 को मल्टीप्लाई करना था इसके रेसिप्रोकल से। इसका रेसिप्रोकल होता है उल्टा, जो हमने यहाँ पर उल्टा कर दिया, 16 को ऊपर ले गए, 7 को नीचे लिया है। 6/13 इंटू -16/7 को मल्टीप्लाई किया, 16 को 6 से किया 96 आया, 13 को 7 से किया 91 आया, माइनस का निशान है माइनस का निशान, सिंपल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
अब नेक्स्ट गाइस हमारा ये क्वेश्चन है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट वन अपॉन थ्री इंटू सिक्स इंटू फोर अपॉन थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री इंटू सिक्स इज इक्वल टू फोर अपॉन थ्री। तो वो ये कह रहा है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट वन अपॉन थ्री इंटू ब्रैकेट सिक्स इंटू फोर अपॉन थ्री ब्रैकेट क्लोज एज वन अपॉन थ्री इंटू सिक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू फोर अपॉन थ्री में कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। अब अपन जानते हैं गाइस, अपन ये जानते हैं चूंकि अपन देखा है एक प्रॉपर्टी को ए इंटू बी इंटू सी, देखा है ना अपन इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। और हम यह कोष्टक इसको इसमें लगा सकते हैं, मतलब मैंने ये किया गया, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया। देखिए इसको मैंने क्या माना, ए, इसको मैंने क्या माना, बी, इसको क्या माना मैंने, सी। ओके, अब इस वाले कॉलम में मैंने क्या किया, इस ए और बी को, इस ए और बी को कोष्टक कर दिया, इस सी को मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहां पे 4/3 को मैंने बाहर निकाल दिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं या तो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी बोल दीजिए या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल दीजिए। तो हम कहेंगे यहां पे, सो इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने कहा ये प्रॉपर्टियों को आपको लर्न करना है, मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूं कि गाइस इन प्रॉपर्टी को बिना लर्न किए हुए हम चल नहीं सकते, इन प्रॉपर्टीज को हमें लर्न करना है। और आपसे भी मैं ये निवेदन करूंगा कि इन प्रॉपर्टीज को आप लर्न करें, बिना लर्न किए नहीं चल सकते। ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी कोष्टक क्लोज इंटू सी को बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। सो गाइस सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस। ओके बाय।